नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन में भी आप लोग अच्छी तरीके से होंगे, ठीक होंगे। दोस्त, बहुत अच्छी वैकेंसी आर्मी की निकल के आ रही है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये जो वैकेंसी है ये श्रीनगर से निकल के आ रही है, ये आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस से श्रीनगर से निकल के आ रही है। ये जो आर्मी रिक्वायरमेंट रैली भर्ती जो होगी वो हेलीपैड ग्राउंड कारगिल के अंतर्गत होगी, वो जो 26 जून 2020 से स्टार्ट होगी और 30 जून 2020 तक चलेगी। इसका जो फॉर्म का आवेदन है वो ऑनलाइन आपको करना होगा और ये आप स्वयं देख सकते हैं, ये जो भर्ती है वो डिस्ट्रिक्ट लेल एंड कारगिल फ्रॉम 26 जून टू 30 जून 2020 एट आर्मी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल में इसका भर्ती होना है और ये सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए आपको फॉर्म 27 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो चुका है और 10 जून 2020 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन होगा और आप लोग ऑनलाइन फॉर्म इसका फिलअप कर लीजिएगा। इसमें जो उम्र सीमा आपको दी गई है, अलग अलग सोल्जर जीडी सोल्जर कलर के लिए सबके लिए अलग अलग दिया गया है। जो सोल्जर जीडी के लिए होगा और टेक्निकल के लिए होगा 17.5 से 21 वर्ष, और सोल्जर कलर के लिए जो होगा वो होगा आपके 17.5 से 23 वर्ष, और जो हाइट होगी वो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 1.57 और वेट हो जा 50, और चेस्ट जो होना चाहिए 77 तथा फुला के 5 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के बारे में पहले से भी जानकारी दे रखा हूँ आपको। सोल्जर टेक्निकल के लिए जो होगा 17.5 से 23 वर्ष उम्र होनी चाहिए आपकी। हाइट जो होगी 1.57 सेंटीमीटर, और जो वेट होगा 50 और जो चेस्ट होगा 77 सेंटीमीटर और फुला के 5 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरिंग की जो वैकेंसी है उसकी भी सेम होगी। तो दोस्त, ये उसका ऑनलाइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग इसके माध्यम से जाके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इस वेबसाइट से ही आपको फॉर्म फिलअप होंगे। इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ये एक बार और आपको हम बता दें कि इसकी जो भर्ती होगी वो होगी ले एंड कारगिल फ्रॉम 26 जून 2020 टू 30 जून 2020 एट आर्मी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल, और जो इसका फॉर्म है वो ऑनलाइन 27 अप्रैल से स्टार्ट है और 10 जून तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ताकि किसी भी प्रकार की आपको रैली भर्ती में पहुँचने में कोई परेशानी ना हो, और रैली भर्ती में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, जात निवास, उसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, उसके अलावा आपके जो आधार कार्ड है वो 16 फ़ोटो आपको लेके भर्ती रैली स्थल पे पहुंचना होगा, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स के 3-3 फ़ोटो स्टेट करा लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको हम बता दें दोस्त कि जहाँ तक संभावना है कि ये भर्ती प्रक्रिया को जून में ही कंप्लीट करा ली जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।